सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संकेत, आप देख रहे हो मूवीज इन और आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर निगेटिव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो कि स्पाइडरमैन का बहुत ही अमेजिंग एक विलन निकल के आया था। 2007 की ये कॉमिक बुक की बात है जिसका नाम है फ्री कॉमिक बुक डे 2007 वॉल्यूम 1 स्पाइडरमैन नाम से आई थी, जहाँ पर हमें मिस्टर निगेटिव के बारे में पता चला था फर्स्ट टाइम। और इसी कैरेक्टर ने आखिरकार स्पाइडरमैन को मार भी गिराया था बहुत टाइम के बाद, ऐसे कॉमिक बुक में हुआ भी है एक बार। तो आज हम इसकी ही ओरिजिन जानेंगे, इसकी ही बातें जानेंगे कि ये कैसे न्यूयॉर्क सिटी में आया, इसने कैसे तबाही मचाना चालू कर दी, स्पाइडरमैन और बाकी सारे जो लोग हैं इन लोगों को कैसे तकलीफ देना चालू किया। ये डेयर डेविल के साथ भी लड़ चुका है और हमें अलग अलग कॉमिक बुक में भी देख चुका है, बट प्रॉब्लम एक ही है दोस्तों इसका, सिर्फ ये स्पाइडरमैन से ही ज़्यादातर लड़ते हुए हमें नज़र आता है। तो आज हम इसकी ही बात करेंगे, तो चलिए देखते हैं मिस्टर नेगेटिव की ओरिजिन। तो लेट्स बिगिन। मार्टिन ली एके मिस्टर निगेटिव, ये एक्चुअल में न्यूयॉर्क सिटी के अंदर यानी अमेरिका ट्रैवल करना चाह रहा था। इस वजह से चाइनीज इमिग्रेंट के साथ ये लोग फुजान से निकल पड़े एक शिप के अंदर, जिस शिप को एक्चुअल में नाम दिया गया था द गोल्डन माउंटेन। और उस शिप का हेड था एक्चुअल में, जो वो गैंग थी उस गैंग का नाम था स्नेक हेड गैंग, जो कि एक्चुअल में निकल आते हैं केनिया से थोड़ा दूर ही आ जाते हैं, बट वहाँ पे बहुत बड़ा एक स्ट्रॉम आ जाता है जिस स्ट्रॉम की वजह से उस शिप के लोग इवैक्यूएट करना चालू कर देते हैं। तो कुछ लोगों को समझ नहीं आता, बहुत सारे लोग वहाँ पे इलीगली ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इस देश से उस देश जा रहे हैं, बहुत सारे स्लेव लोग भी उस शिप पे रहते हैं, तो वो लोग सीधा कूदना चालू कर देते हैं उस शिप से। तो उस शिप में होता ये है दोस्तों कि भाई ये बाकी कोई मेम्बर्स नहीं बचते, सिर्फ हमारा मार्टिन ली और उसकी वाइफ ही बच पाती है। और उसके बाद ये लोग आ जाते हैं कैसे तो करके जान बचा के न्यूयॉर्क सिटी में, जो कि एक्चुअल में मर गया था, स्नेक हेड का गैंग मेंबर था एक्चुअल में, या फिर स्लेव कह सकते हो, उसकी ही आइडेंटिटी लेके ये न्यूयॉर्क सिटी में रहता था। फिर जैसे ही जो ये स्नेक हेड का गैंग मेंबर है मैगी या डॉन, जिसका नाम एक्चुअल में सिल्वरमैन रखा गया है, वो एक्चुअल में इसको पता चल गया कि भाई ये बचा हुआ स्लेव है, तो उसको पकड़ के लेके आए और जितने भी स्लेव्स वहाँ पे काम करते थे ये मैगी डॉन के नीचे, उन लोगों को भी वहाँ पे पकड़ के रखा गया था। जहाँ पर फर्स्ट टाइम हमारे जो ये मार्टिन ली है उसके ऊपर एक अनआइडेंटिफाइड ड्रग का यूज़ किया गया है, जिसको कभी पहले टेस्ट नहीं किया गया था क्योंकि ये इलीगल धंधे कर रहे थे। तो उसको टेस्ट करने के लिए एक फर्स्ट बंदा लिया इन लोगों ने, मार्टिन ली, जिस ड्रग का नाम उन्होंने डीलाइट रख दिया। और वहाँ पे फिर मार्टिन ली को ज़बरदस्ती वो ड्रग दिलाया गया, जिसके बाद ये बहुत सारे लोगों को और भी दिया गया और उसमें से सिर्फ तीन ही मेंबर बच पाए। उसमें से एक लाइटिंग फोर्स बना यानी उसके पास सुपर पावर आई, और एक डार्क फोर्स की उसके पास सुपर पावर आई। ऐसे ही तीन लोगों के अंदर अलग अलग पावर्स देखने को मिली और बचे हुए जितने भी मेंबर्स थे वो मर गए थे। और फिर इन तीन लोगों ने अपना अपना रास्ता चुना, जिसमें से एक बंदा अलग हो गया और वो क्लॉक एंड डिगर से जाके मिला और उनका ही हिस्सा बन गया। वहाँ पे वो ऑफकोर्स लोगों की जान बचाता था अपने पावर्स के इस्तेमाल से। और यहाँ अपना मार्टिन ली जो है वो एक्चुअल में दो आइडेंटिटी उसके अंदर चले आए थे, एक थी मिस्टर निगेटिव की जिसके पास डार्क फोर्स की पावर्स थी और लाइट फोर्स भी वो कंट्रोल कर सकता था, इस तरह से उसके पास पावर्स नज़र आती है। और एक दूसरी आइडेंटिटी उसके अंदर थी जो कि मार्टिन ली नाम से थी, जो भी इसको छू लेता था उसके करप्टेड वर्जन्स बन जाते थे, मल्टीपल वर्जन्स में वो क्रिएट हो जाते थे या फिर वो कभी कभी मर भी सकते थे, इस तरह से इसके अंदर पावर्स थी। और इसी वजह से इसके जो बॉडी है वो एक्चुअल में दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी, एक हिस्सा ब्लू कलर का देखने को मिलता है जहाँ पे उसके ऊपर वाले बाल जो है वो सफ़ेद देखने को मिलते हैं, और एक ह्यूमन स्किन देखने को मिलती है हाफ फेस उसका, जो कि हाफ बॉडी है उसकी, उसमें थोड़े से ग्रे या फिर ब्लैक कलर के हमें हेयर्स नज़र आते हैं। तो इसी तरह से ये दो पावर्स दो डिवाइडेशन का हिस्सा बन चुका है, जहाँ पर आगे जाके मार्टिन ली ने जो चाइना टाउन में पूरे क्रिमिनल्स थे उनको मार के उनका हेड बन चुका था। और अभी क्रिमिनल एक्टिविटी जितने भी चाइना टाउन में हो रही थी न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, वो सभी मार्टिन के कंट्रोल में आ गई थी। जहाँ पर उसकी जो सेकेंड आइडेंटिटी है मार्टिन ली वाली, वो एक्चुअल में फर्स्ट थी लेकिन उसने फिर मिस्टर निगेटिव को ही फर्स्ट आइडेंटिटी कर लिया। और जो ये इसकी सेकेंड आइडेंटिटी है मार्टिन ली वाली, उससे ही वो अलग अलग तरह से लोगों में रहता था, जहाँ पर वो खुद की एक आइडेंटिटी रिवील करता था, यानी खुद की आइडेंटिटी एक बनाया उसने कि भाई ऐसी चीज़ें हैं, मैं अच्छा पर्सन हूँ, ये सारी चीज़ें रह बोल के वो पूरे समाज में यहाँ वहाँ घूमने लग गया था। जहाँ उसने आगे जाके फीस्ट को भी ज्वाइन किया था। जी हाँ दोस्तों, ये वही फीस्ट है जिसको एक्चुअल में
फंड करता है हमारा स्पाइडरमैन या फिर टोनी स्टार्क, ऐसा हम कह सकते हैं, जहाँ पे हमने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में उसकी एक्चुअल में झलक भी देख ली है। और ये जो मिस्टर निगेटिव की चाह थी कि भाई न्यूयॉर्क सिटी का बहुत बड़ा डॉन बनना, तो इस वजह से उसको स्पाइडरमैन का भी सामना करना पड़ गया, एजेंट ऑफ शील्ड्स का भी सामने वो आया ही था, बात ही नहीं है। और इसको रोकना लगभग नामुमकिन सा है, क्योंकि इसको अगर हाथ लगा देता है कोई तो वही करप्ट हो जाता है, पर उसके पास अलग अलग एबिलिटीज़ है जिससे वो डेविल्स भी क्रिएट कर सकता है। उसी तरह से उसने अपने पास एक गैंग भी बना के रखी थी 6-7 मेंबर्स की, जिनके पास ये अलग अलग पावर्स भी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती थी। तो इसी चाह के चलते वो अलग अलग विलन से भी लड़ चुका है। अब बात करते हैं इसकी पावर्स और एबिलिटी के बारे में। तो भाई लिमिटेड शेप शिफ्टिंग कर सकता है, स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, स्पीड है, एनर्जी प्रोजेक्शन है, साथ ही साथ फाइटिंग स्किल्स भी है, इंटेलिजेंस भी ठीक ठाक है इसका। इसके पास टच हीलिंग फैक्टर भी है। तो एक टाइम जब एडी ब्रॉक यानी हमारा जो वेनम है उसका जो कैंसर था वो ठीक करने के लिए इसने उसको हाथ लगा दिया था, जिस वजह से वहाँ पे एंटी वेनम भी पैदा हो गया था। और करप्टिंग टच की तो बात की ही है मैंने कि जहाँ पे भी वो हाथ लगाए वो करप्ट हो जाएगा बंदा, उसके क्लोथ चेंज हो जाएंगे, उसका अपीयरेंस चेंज हो जाएगा, वो जो एक्चुअल में बंदा है या फिर जो भी कुछ है वो चेंज होके इविलनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और एबिलिटी इसके पास ये एक ही है, ये मल्टीपल लैंग्वेज में एकदम फ्लुएंटली बात कर सकता है। और फिजिकल स्ट्रेंथ तो इतना खास है इसका क्योंकि इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जिसका लेवल इतना बड़ा है कि जिस बिल्डिंग के ऊपर हमारा स्पाइडरमैन झूलता है वो बिल्डिंग ये खुद के हाथ में पकड़ सकता है, इतना ज़्यादा इसका फिजिकल स्ट्रेंथ है। तो दोस्तों बस यही है मिस्टर निगेटिव की कहानी। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ और ऐड करना चाहते हो तो वो भी नीचे कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो इस वीडियो को, शेयर कर सकते हो अपने मार्वल डीसी सुपर हीरो फैंस के साथ, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर सकते हो मूवीज़ इन चैनल को, क्योंकि आए दिन हम ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कंटेंट्स लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज़ इन।